आप लोगों ने एसआईपी के बारे में सुना होगा और शायद आपके कुछ करीबी लोग उसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे, लेकिन आज समझते हैं कि एक्चुअली में एसआईपी हेल्पफुल है या नहीं है। पर उससे पहले एक चीज समझा देता हूं आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट की टोटल दो टेक्निक्स होती है, एक होता है एसआईपी, एक होता है लमसम। लेकिन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज यानी एसआईपी जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करता है जो ज्यादा हेल्पफुल होता है। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेट सपोज ऑन 18% इंटरेस्ट, आपने अगर ये पैसा 10 साल तक कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट किया तो आपके हो जाते जो आपने इन्वेस्ट किए वो 6,00,000 रुपए और आपको रिटर्न मिलेगा 16,81,000 का। लेकिन अगर ये ड्यूरेशन में 10 साल से 30 साल कर देता हूं तो आप ध्यान से देखेंगे आपने इन्वेस्ट किया 18 लाख, सिर्फ 3 गुना, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा 7,16,00,000 रुपए का। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो हम समझ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट में मिल जाएगी। बट द पॉइंट बीइंग सेड इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज का मतलब क्या हुआ, आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो यानी रेगुलर इन्वेस्टमेंट है। इसी बात पे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा और ज्ञान आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट टॉपिक कैसे है प्लीज कमेंट डाउन।